नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज परम क्रांतिवीर तिलका मांझी जी की जयंती है, और इस अवसर पर हम चिंतन करते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन वीर नायकों ने अपना योगदान दिया है, उनका हम चिंतन करें। भारत में विभिन्न समुदायों ने भारत की आज़ादी के लिए अथक परिश्रम किया है। ऐसा ही एक समुदाय है अपना वनवासी जनजातीय समुदाय, जिस पर चर्चा कम की जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है कि आज़ादी की लड़ाई में वनवासी समाज की क्या भूमिका रही है। इस विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, जिनका मैं आपका परिचय करा देता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी। ये संघ के स्वयंसेवक हैं, जो 1983 में संघ से जुड़े, 1986 में संघ के विस्तारक बने और 1992 में ये जिला प्रचारक रहे, और 1993 में ये वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़कर वनवासी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और आज एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर ये कार्यरत हैं, सेवारत हैं। आज का इनका जो परिचय है, जो वर्तमान में वे जनजाति सुरक्षा मंच दुमका झारखंड में राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। भाई साहब, मैं प्रेरणा परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह प्रेरणा परिवार की ओर से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा यह कार्यक्रम वनवासी बंधुओं का जो योगदान है आज़ादी की लड़ाई में, उस पर केंद्रित है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि स्वतंत्रता की आंदोलन की जो ये लड़ाई है, उसमें वनवासी समाज की क्या भूमिका रही है? मैं बता दूं कि हमारा जो जनजाति समाज है, ये सदियों से, मतलब ये आधुनिक काल नहीं, ये प्राचीन काल से, सनातन युग से, और इस देश और धर्म के लिए सदा ही इनका योगदान रहा है। चाहे वो त्रेता युग का काल होगा, द्वापर युग का काल होगा, और आधुनिक समय में भी छत्रपति शिवाजी के समय होगा, राणा प्रताप जी के समय होगा, सब समय, और आधुनिक समय में भी। अब ये जो अंग्रेज के विरोध में जब संघर्ष शुरू हुआ, एक प्रकार से कहा जाए यहाँ जो बिहार में जो बाबा तिलका मांझी हुए, 11 फरवरी 1750 को उनका जन्म होता है, और वो भागलपुर के नजदीक में है, बिहार में भागलपुर जो गंगा जी के तट पर है अवस्थित है, वो शहर जो है वहाँ तिलकपुर नाम का एक गांव है, और उस गांव में बाबा तिलका मांझी, उनका नाम तिलक मुर्मू था, जन्म होता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आजादी का ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं बाबा तिलका मांझी को। उन्होंने जो संघर्ष किया वो बिल्कुल अद्भुत था। उनके जो पिताजी थे ना, वो उस गांव के ग्राम के प्रमुख थे, पुजारी भी थे, उनका जो पूजा स्थान था वहां वो पूजा करते थे, मांझी थान होता था। तो बाद में ये भी पुजारी, मतलब कि मांझी थान के पुजारी हो गए और मांझी राम भी हो गए। तो उस प्रकार से ये मांझी, तिलका मांझी बोलते हैं इनको, और वो सब प्रकार से वो उनको ये उनको मालूम था, और पिताजी से ही उनको सब प्रकार का जो ज्ञान है उनको मिला था, चाहे वो युद्ध कला हो, चाहे भक्ति करने का जो है ज्ञान का, सभी प्रकार का जो हथियार वगैरह चलाने का भी, और साथ साथ ना बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते थे। तो इस प्रकार से उनका ये था। एक बार उनका जो एक घटना घटित हुआ वहां पर,
एक पूजा कर रहे थे अपना मांझी थान में, तो एक पादरी आया और वो पूछा यहाँ क्या हो रहा है। तो वो तिलका मांझी बोलते हैं कि हम अपना देवता का यहाँ पर और भगवान का हम पूजा कर रहे हैं। तो बोला कि ये पत्थर जो है ना, इसमें तुम पूजा करता है क्या मिलता है इसमें? बोला इसमें ये पत्थर नहीं, हमारा देवता है, भगवान है, इससे हमको शक्ति मिलता है। अच्छा, तो व्यंग करने लगा, तुम इसमें तुम्हारा शक्ति है, तुम दिखा सकते हो अपना देवता का भगवान का? तो बोला हाँ मैं दिखा सकता हूँ। और वो चैलेंज किया कि एक ठीक है, तुम्हारा देवता में भगवान में यदि शक्ति है तो हम एक बकरा लाते हैं, लोहे का बकरा लाते हैं और उसको तुम काट करके दिखाओ। तो वैसे ही निश्चित दिन हुआ और लोहा का बकरा लाया वो, और तिलका मांझी बड़ा ही नियम के साथ और पूजा करने के लिए निश्चित दिन में वहां पर गए हैं, और लोहे का बकरा को वहां पर पहले तो पानी उन्हें छिड़क करके उसको पवित्र किया गया, फिर बाकी तेल और सिंदूर वगैरह लगाया, और फिर ना तिलका मांझी बहुत बांसुरी बजाने लगे, और बांसुरी जो बजा रहे थे वो मंत्र बजा रहे थे, और एक समय ऐसा आया कि बिजली के जैसा उनके हाथ में ये तरंग जैसा होता है ना, करंट जैसे आता है इस प्रकार से, और अचानक उस बांसुरी से उस गर्दन में वार किए, और फिर जो है ना लोहे का बकरा का गर्दन वो अलग हो गया और पूरा खून निकलने लगा। तब पादरी जो ना वहां से भागने लगा, कहा कि रुको रुको, लेकिन वो भाग गया। तब वहां अगस्तस क्लीवलैंड करके वहां का जो कमिश्नर था भागलपुर का, फिर उसको बताया, एक ऐसा चमत्कार मैं देख करके आ रहा हूँ, वहां तिलका मांझी ने लोहे का बकरा को बांसुरी से काटा। तब फिर बाद में वो उनका मांझी स्थान को जो मांझी थान को भ्रष्ट किया गया, नष्ट भ्रष्ट किया। इसके बाद तिलका मांझी ने और वो समाप्त करने का ये ठान लिया कि जो हमारा देवता को अपमान किया, हमारा पूजा स्थान को नष्ट किया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और तब से वो एक प्रतिज्ञा कर लिया, जब तक उस अगस्तस क्लीवलैंड को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। और फिर पूरे क्षेत्र में वो गांव गांव में जाने लगे, सबको जगाने लगे, बताने लगे, आज मेरे गांव में ऐसा हुआ, बाद में सब जगह ऐसा ही होगा। और ये बाबा तिलका मांझी ने इस प्रकार घूम घाम करके गांव में मीटिंग भी शुरू करना शुरू किए। और फिर जो है ना, इसके बाद एक दिन ऐसा आया, बहुत दिन से वो सोच रहे थे कि उसको पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन ऑफिस से और कोठी वो जाते थे ना एक निश्चित समय में, आगे पीछे घोड़ा में बाकी सिपाही रहता था, बीच में विशेष प्रकार का वस्त्र पोशाक धारण किए हुए, तो समझ गए यही व्यक्ति है अगस्तस क्लीवलैंड। और वो एक दिन ताड़ के पेड़ में चढ़ करके तीर धनुष लेकर के, और वो पहले से बैठा हुआ था, और जैसे ही उसके सामने से गुजर रहा था, एक तीर छोड़ा और सीधे अगस्तस क्लीवलैंड के सीने में लगा, और वो तो साउंडलेस होता है तीर, तो साउंड भी नहीं आया, और अचानक पता नहीं चला उन लोगों को, और वो गिर गया, और फिर जो है ना हक्का बक्का हो गए, क्या हो गया। और तिलका मांझी जो है ना ऊपर से ही वो तार गाज पंक्ति में था, एक तार से दूसरे तार ऊपर ऊपर ही बाद में जंगल में भाग गए, और बहुत दिनों तक जंगल में छिपे रहे। बाद में हर समय और गद्दार लोग रहे हैं, उस समय भी कुछ ऐसे अंग्रेज का वो जो दलाल लोग, उनको फिर पकड़ा दिया, और फिर जो है ना वो जो उनके साथ जो वर्ताव हुआ, उनको पकड़ करके घोड़ा में, भागलपुर में एक मैदान है, फील्ड है, सैंडिस कंपाउंड, उसमें पूरा घोड़ा में बांध करके घसीटा गया, और जब वो अधमरा हो गया तब फिर भी, और एक बड़का पेड़ था बरगद का, और वहां रस्सी से बांध करके फांसी दिया गया। आज जो वहां पर तिलका मांझी चौक है उसके नजदीक में ही गाछ के पेड़ के नीचे,
और वहीं पर बाद में दफन कर दिया, और उसी जगह में वो स्टेचू बना हुआ है, विशाल स्टेचू। तो हम सुनते आए हैं पहले से कि उसमें संथाल जनजाति भी एक ऐसी रही है जिन्होंने अपने आजादी के आंदोलन को बड़ी गति दी है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो संथाल जनजाति है अपनी, वह किस प्रकार से सनातन और हिंदू संस्कृति से संबंधित है? वास्तव में संथाल जनजाति जो है शुद्ध रूप से ये सनातनी है, और मैं कह सकता हूँ जो सनातन धर्म वो संस्कृति जो है ये उसका मूल जो है ना वो प्रकृति है। प्रकृति इसलिए है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का सृष्टि ही प्रकृति से हुआ है, पंच तत्व से हुआ है, पंच तत्व प्रकृति है। ये धरती है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, भगवान जिसको बोलते हैं, भगवान भ से भूमि हो गया और ग से गगन हो गया, और ये व से वायु हो गया, आ से अग्नि हो गया, और न से नीर हो गया, ये भगवान। तो भगवान तो प्रकृति है, तो ये हमारा संथाल समाज प्रकृति भगवान को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, पूजते हैं, और संरक्षक भी हैं प्रकृति के। और मैंने एक सनातन का आधार भी हम कहेंगे, सनातन धर्म में जैसे कि हम कहते हैं ना वैष्णव, शैव और शाक्त, ये जो है ना मातृशक्ति, ये भी आदिशक्ति, ये तो शक्ति है शाक्त जो है, और विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव हो गए, और शिव को मानने वाले शिव हो गए। तो संताल जो है अपने सृष्टिकर्ता को ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी अर्थात भगवान विष्णु, वो हमारे सृष्टिकर्ता है ठाकुर जी। और मारांग गुरु को मानते हैं, मारांग गुरु का अर्थात मारांग मतलब बड़ा हो गया, और गुरु मैंने पहाड़। तो भारत का सबसे जो बड़ा पहाड़ है वो हिमालय पहाड़ है, वहां कैलाशपति जी रहते हैं, अर्थात भगवान शंकर शिव जी रहते हैं, हमारा मारंग गुरु वहीं रहते हैं। तो हम मारंग गुरु को मानते हैं, महादेव जी को मानते हैं, इसीलिए हम शिव भी हैं, और भगवान विष्णु को मानते हैं, माने ठाकुर जी को मानते हैं, तो वैष्णव भी हैं। और हम हमारा जो जाहिर थान है वहां पर जाहिर एरा और गोसाई एरा को मानते हैं, अर्थात हमारा देवी के रूप में भगवती आदि शक्ति दुर्गा और आदि शक्ति महाकाली का जो रूप है जाहिर एरा और गोसाई एरा, वो देवी को आदि शक्ति को मानते हैं, हम शाक्त भी हैं। इसलिए जो सनातन का मूल है वो संथाल जनजाति वो करते हैं, तो मूल बात ये है। दूसरी बात और भी देखेंगे उसमें, उदाहरण के तौर पर जैसे हम त्रेता युग का रामायण से लेते हैं, तो जी रामायण में जो बातें हैं वो हमारे व्यवहार के अंदर में संथाल समाज में आज भी है। वेद को हम प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर जो बातें हैं वो संथाल समाज के अंदर व्यवहार के अंदर में है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद में कहते हैं अतिथि देव भव, अतिथि देव भव अर्थात जो जी अतिथि होते हैं वो देवता समान होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं। तो हमारे संथाल परिवार में कोई भी एक अतिथि, नए हो, पुराने हो, छोटे हो, बड़े हो, आए तो सबसे पहले आसन देते हैं उनको बैठने के लिए, जो भी उपलब्ध हो। इसके बाद एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा उनके घर में जो लोटा होगा वो अंदर में रहता है, अतिथि आते हैं तभी निकालते हैं, वो निकाल करके कोई एक महिला, और वो जो है पूरा मांझ करके चमका करके एक लोटा जल अतिथि के सामने वो रखती है, और फिर रिश्ता नाता जो बड़े छोटे के अनुसार प्रणाम पाती वो करती है। यदि वो बड़े हैं तो प्रणाम करती है, यदि छोटे हैं तो आशीर्वाद देती हैं वो। तो इस प्रकार से बारी बारी से क्रमशः सभी सदस्य उस परिवार के आकर के उनको प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति रात में
सोते हैं और सुबह उठ करके किसी नदी या तालाब में जाते हैं, तन मन को और शुद्ध करते हैं और पवित्र वस्त्र को धारण करते हैं, एक लोटा जल पुष्प लेकर के किसी देव थान में जाता है और फिर पत्र और पुष्प और जल को समर्पण करता है, फिर प्रणाम पाती करता है। ठीक वैसे ही संताल परिवार में अतिथि आए तो वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए मैं कहा व्यवहार में आज भी यहाँ पर है, लेकिन लिखित में वहाँ ऋग्वेद के अंदर है। और वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, ये भी हम संताली भाषा में भी बोलते हैं कि पेड़ा जो है, पेड़ा का अर्थात अतिथि, और अपना जो अपने हैं, निकट के हैं, सदस्य हैं, ये विश्व जो है ना एक परिवार है, इसलिए हमारे सभी हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि नुइदई होड़ पेड़ा करना, संताली भाषा में मतलब नुइदई होड़ पेड़ा करना, अर्थात यह संताल अतिथि है। नुइदई दिको पेड़ा करना, अर्थात यह गैर संताल अतिथि है। नुइदई मोसले पेड़ा करना, नुइदई ईसाई पेड़ा करना, नुइदई जहूदी पेड़ा करना, अर्थात दुनिया के सभी हमारे अपने हैं, अतिथि हैं, एक परिवार के हैं। तो ये वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है, ये भी संताल समाज में आज भी है। नहीं, आपने भाई जी साहब बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से जी शैव शाक्त और वैष्णव संप्रदाय की जो सनातन मान्यताएं हैं वह आज भी हमारी संथाल और वनवासीय जातीय समुदाय में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं और आज उनकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, केवल शब्दों में भिन्नता है और शब्दों में भिन्नता के आधार पर ही मैं आपको एक शब्द की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिसका लाभ राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने बहुत उठाया, उन्होंने हमारे वनवासी और जनजातीय बंधुओं को एक नया शब्द से अभिहित किया और वह है आदिवासी शब्द। तो जो कि एक अलग प्रकार का शब्द है, जो हमारी सनातन संस्कृति का शब्द नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आदिवासी शब्द अपने सनातन बंधुओं के लिए किन्होंने इसको प्रारंभ किया और उनकी क्या ऐसी मनसा थी कि उन्होंने इस शब्द को एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमारी संस्कृति में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। ये वास्तव में इस देश के जो सत्य युग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से इस देश में रहते आए हैं और यहाँ का जो संस्कृति को उस समय से लगातार उसको मानते आ रहे हैं, तो वास्तव में वो सभी के सभी आदिवासी हैं। और सभी माने सनातनवासी हैं, अनादिवासी हैं। और ये जो यही आदिवासी हैं और बाद बाकी गैर आदिवासी हैं, मतलब हाल के वासी हैं, हाली वासी हैं, ये जो है जब अंग्रेज इस देश में आया और उसको जो है यहाँ का सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और कमजोर करना है, समाप्त करना है, तो और अपना राजसत्ता को भी लंबे समय तक वो कायम रखना है, इसीलिए इस प्रकार का वो जाति जाति में और विभेद करने का कई प्रकार का षड्यंत्र किया। उसी में से एक ये षड्यंत्र जो है ना, हमारा जनजाति समाज को जो हिंदू समाज से, सनातन धर्म संस्कृति से उसको दूर करना है। और यहाँ जो है ना बाकी तुम्हारा शोषक है और तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, और इसीलिए शत्रु है तो शत्रु के जैसा व्यवहार करना है उसके साथ, और फिर इस प्रकार से दूरी बढ़ाने का काम वो किया। और ये शब्द, तुम ही तो असली मालिक हो यहाँ के, बाद बाकी तो बाहर से आए हैं, जबकि अंग्रेज ही फिर लिखा है कि ये जो जनजाति है, जय संताल है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो उसके बारे में भी ऐसे लिखा है, तो इसलिए संताल अपने को ऑस्ट्रिक बोलता है, माने उस देश से आए हैं, उधर से आए हैं, माने संताल भी जनजाति भी आदिवासी भी यहाँ का नहीं है, वो भी बाहरी है, लेकिन सबसे पहले वो आया ऐसा बता रहा है। लेकिन उस वो अपने तो बाहर के हैं ही, तो आप थोड़ा पहले आए और हम अभी अभी आए हैं, बाद बाकी बीच में वो लोग बाद में आए हैं, तुम असली मालिक तुम ही हो। इस प्रकार ये विभेद पैदा करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र उस समय किया, और आज वो जो बीज जो घोल दिया, आज वो भी दिखाई दे रहा है हमारे समाज के अंदर में, देश में।
तो ये बहुत ही खतरनाक इसका मंसूबा है, आज भी ये चल रहा है। अलगाववादी जो विचारधारा उस समय से अंग्रेज काल से इस प्रकार से ये देश को समाज को तोड़ने का ये काम लगातार चल रहा है। जी बहुत अच्छी तरह से भाई साहब आपने समझाया कि किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने और विशेष रूप से अंग्रेजों ने इस हमारी जनजातीय समाज को सनातन वैचारिक धारा से अलग करने के किस प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किए। तो वर्तमान में भी वो खतरे हमारे सामने हैं, आपने उसकी तरफ इशारा भी किया है। लेकिन अब जो चल रहा है, कुछ राष्ट्र से राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लोग भी अपने से इन वनवासी बंधुओं को लेकर उनको साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से आप भविष्य कैसा देखते हैं, थोड़ा इस विषय में भी बताइए। जी, भविष्य तो ऐसा है कि थोड़ा सा हम जो सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के जो अपने जिनको हम अगुआ समझते हैं और नेतृत्व जो हम करते हैं वैसे लोग को थोड़ा सा जो है ना अपने संपूर्ण समाज और संस्कृति और धर्म को थोड़ा उदार बनना होगा। और ऐसे किसी कारण से आज वो पीछे हो गए, पिछड़ गए हैं इस दौड़ में, आधुनिक जो विकास का यात्रा में वो थोड़ा पिछड़ गए हैं आधुनिक विकास में। बाद बाकी संस्कृति और उसमें स्ट्रांग है, मजबूत हैं, लेकिन आधुनिक जो विकास है उसमें पिछड़ गए हैं। और हमको उनको ऐसे समाज को, जनजाति समाज और बाद बाकी जो जो भी अपने सनातन धर्म में जो पिछड़ गए हैं उनको आगे उठाने के लिए हमको थोड़ा झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। जब तक हम झुकेंगे नहीं तो हम उठा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको थोड़ा झुकना पड़ेगा उनको उठाने के लिए। और सबसे पहले जो मूल बात जो मैं जनजाति के बारे में बताना चाहता हूँ, वो आर्थिक और बाद बाकी गरीब हो सकते हैं, लेकिन सबसे वो जो भूखा है वो प्रेम के भूखा है, प्रेम के भूखा है। इसलिए हम उनको प्रेम करेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ होंगे ही और है ही हमारे, तो ये एहसास उनको दिलाने का जरूरत है। तो फिर हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा और कभी भी समाप्त नहीं होगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हमारा सनातन धर्म है ही। दो पंक्ति का आपको मैं सुनाता हूँ संताली में, लागणे स्वर में वो गीत है। कई प्रकार का गीत होते हैं, तो एक जो बरमसिया टाइप का जो मैंने 12 महीना गाने वाला उसको लागणे गीत बोलते हैं, लागणे सिरिंग, संताली में गीत को सिरिंग बोलते हैं। हो रे हो चांदो बीर रे हो चांदो गोटा टंडी चांदो मिनाया, हो रे हो चांदो बीर रे हो चांदो गोटा टंडी चांदो मिनाया, सुख रे दुख रे चांदोगी बोन्यो मिया, सुख रे दुख रे चांदोगी बोन्यो मिया, चांदोगे ये गुणो बाबूना, चांदोगे ये गुणो बाबूना। इसका अर्थ हुआ होर मने रास्ता, मार्ग में भी भगवान है, और बीर मने पहाड़ जंगल में भी भगवान है, और गोटा टंडी मने सर्वत्र भगवान है, सभी जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। सुख में और दुख में हम भगवान को याद करेंगे और भगवान ही, चांदू मने भगवान, भगवान ही हमको मदद करेंगे और दूसरे कोई मदद नहीं करेंगे, सर्वत्र भगवान है, ये इस गीत का ये भाव है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और मैं गीत सुनने के बाद ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोग चाहे कितना ही दुष्प्रयास कर लें सनातन संस्कृति से हमारे जनजातीय बंधुओं को विलग करने के लिए, परंतु इन लोकगीतों में जो दर्शन है जीवन का, वह सनातन दर्शन है। ईश्वर को सब ओर देखने का, ईश्वर को सर्वव्यापक मानने का,
हर प्राणी में, कण कण में, आसपास ईश्वर को अनुभव करने का जो दर्शन आपकी इस गीतों की दो तीन पंक्तियों से जो आपने बताया है, उसको कैसे अलग कर पाएगा कोई? तो निश्चित रूप से सनातन का अविभाज्य अंग है ये वनवासी संस्कृति। और ये कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि सनातन धर्म की जो मूल्य आज शहरी जीवन में निर्मूल होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनको आज भी वनवासी समुदाय ने संजोए रखा है और उसका अनुपालन भी वे अपने जीवन में कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है उससे हमारे श्रोता और दर्शक निश्चित रूप से लाभान्वित भी होंगे, और ये जो प्रश्न उठाए गए हैं उनके उत्तरों में उन समस्याओं के समाधान भी छिपे हैं जो समस्याएं आज हम वनवासी क्षेत्रों में देख रहे हैं। निश्चित रूप से अपना यह समाज अपने इन वनवासीय बंधुओं के प्रति प्रेमपूर्ण होकर जागरूक होगा, उनके लिए सब प्रकार से आगे आएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रेरणा परिवार की ओर से भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार।